तनवीर साहब, हमारे बच्चे, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरी बहन ने जो बातें कही, आप लोगों ने सुनी कि एनसीए पार्टी के सारी बहनें ऐसे ही आगे हैं, जैसे लोगों को पहले भी इज्जत दी, बाद में भी इंशाल्लाह इज्जत देगी। तो बाकी मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग भी समझदार हो, कौन कौन सी पार्टी, हमें किसी के साथ मतलब कड़ा मुकाबला है। आगामी चुनावों में राष्ट्रीय सम्मेलन कश्मीरी लोगों की पहचान के लिए लड़ेगा। जो लोग एनसी के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, वे भाजपा की बी और सी टीमें हैं जो राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावित नहीं करेंगी। बांदीपुरा में महिला पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह से इतर पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट नज़ीर मलिक, निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी नेशनल कॉन्फ्रेंस बांदीपुरा, ने कहा कि उत्तर कश्मीर के स्थानीय लोगों की मांग थी कि उत्तर कश्मीर सीट से उमर अब्दुल्ला को चुना जाए। उन्होंने कहा, कश्मीरी लोगों की पहचान के लिए लड़ेंगे, सड़क, पानी और अन्य मुद्दे हमारी दूसरी प्राथमिकताएं होंगी। सम्मेलन में जिले के कई हिस्सों से सैकड़ों महिलाओं पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत से जीतेगी, क्योंकि लोगों को अन्य राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं है। वे स्वयं भाजपा की बी या सी टीम में होने को लेकर आश्वस्त नहीं है। जो बांदीपुरा की अस्मत तक भेज रहे थे उन लीडरों को छोड़कर, महफिलीन सदर वमिन जिंगिक मोहतरमा मेवा जान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मीन ब्लॉक प्रेजिडेंट, यमो पंचा वरी कुर्बानी दिस यत नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित सिरे दिस कुर्बानी आज यम कौम खतर बेलो जोमा थे। उनको हमने बुलाए थे तो लाया अमल मरे तक कर रहे थे कि ये इलेक्शन कैंपेन वोमेन इज विंग अलग तौर से लॉन्च करेगी। जहां तक रही बात वोमेन इज पार्लियामेंटेरी, यहां पर जो पब्लिक की डिमांड पर हम नॉर्थ कश्मीर से लोगों की डिमांड थी, हर जगह से डिमांड थी, इस एरिया से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ही कैंडिडेट हो, इस तौर से ये डिसीजन लेना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कुछ और दिखता है कुछ? कल मैं अपनी पार्टी का लीडर में इंटरव्यू सुन रहा था, वो बेचारा तो बड़ा परेशान था, वो पता होते रहे तो पता नहीं, हमें पता नहीं हम बीपी में किस सिटी में, बेटी में जो बीजेपी है उन बेचारों को परेशानी है, उनको कोई लायमल नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, किसी के इशारों पर नाच रहे हैं, जो किसी के इशारों पर नाच रहे हैं उनको आवाम सपोर्ट नहीं होता। ये आवामी पार्टी है, आवाम की ताकत से आए हैं, तो आवाम की ताकत से हमेशा आए हैं, हमें मुकाबला किसी के साथ नहीं है, सिर्फ हम इसमें हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उनके वापस लाने के लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों की इज्जत तशक्कुस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो यहाँ पर बर्बरियत हो रही है उसके लिए फाइट कर रहे हैं, इसलिए हम नुमाइंदा भेज रहे हैं। बाकी ये दिल्ली सड़क पानी का मसला नहीं है, मुकाबला तो कोई नहीं है, मुकाबला होता कोई पार्टी होती वो तो बांदीपुरा से हमारे रिपोर्टर लोन सुलेमान की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।